क्या आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सही रिटर्न का फिगर देखते हो? आप SIP कर रहे हो, आप लमसम कर रहे हो, कौन से रिटर्न को आपको देखना चाहिए कि आपको एक सही निर्णय लेने में काफी आसानी हो? कई बार हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और SIP करते हैं, लमसम करते हैं और गलत रिटर्न के फिगर को देखते हैं। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं कंफ्यूज होते हैं कि मेरा SIP इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हमें कौन से रिटर्न को यहाँ पे देखना चाहिए, मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हमें कौन से रिटर्न पे फोकस करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं यही विश्लेषण रखूंगा, अगर आप SIP कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, तो किस रिटर्न के फिगर को आपको देखना चाहिए, किस रिटर्न के फिगर से आप यहाँ पे करेक्ट डाटा लेके आ सकते हो, और अगर आप एनालिसिस भी करना चाहते हो तो वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ रिटर्न यहाँ पे रखना चाहता हूँ जो स्पेशली म्यूचुअल फंड में यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट होता है। कौन कौन से रिटर्न है, मैं टाइप्स ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न है, यहाँ पे एनुअल रिटर्न है, यहाँ पे आप कह सकते हो XIRR रिटर्न है। ये म्यूचुअल फंड में ये तीन जो रिटर्न हैं ये काफ़ी यूज होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड ऐप यूज कर रहे हो, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आप म्यूचुअल फंड का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये तीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि हमें कौन से रिटर्न पे डिपेंड होना चाहिए, किस रिटर्न पे हमें यहाँ पे भरोसा करना चाहिए, किस रिटर्न को हम रिसर्च के लिए यूज करें। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न इट मीन्स कि ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न का फिगर होता है। अगर आप 5 साल पहले भी या 10 साल भी पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हो, तो उस पॉइंट से लेके और जो अभी करेंट डेट है उस डेट तक कितना आपको रिटर्न मिल चुका है, वो एब्सोल्यूट रिटर्न है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने डाटा रखता हूँ। जैसे कि आपने 2020 जनवरी में यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आज के रेट में आपका फंड वैल्यू 1,50,000 के करीब में देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न 50% के करीब में है। इट मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट है और जो करेंट डेट है, इन दोनों के बीच में जो टोटल रिटर्न मिल रहा है वो एक एब्सोल्यूट रिटर्न है। और अधिकतर इन्वेस्टर यहाँ पे गलती करते हैं, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो लमसम और SIP करते हैं, तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न के फिगर को देखते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न आपको ये नहीं दर्शाता कि एनुअल बेसिस पे आपको कितना पैसा बन रहा है, सालाना आपका म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है ऑन द एवरेज। एब्सोल्यूट रिटर्न से आपको ये अंदाज़ा लगता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तब से लेके अब तक कितना पैसा बना है मेरे लमसम अमाउंट से। देखो, एब्सोल्यूट रिटर्न आपको कहाँ देखना चाहिए? एब्सोल्यूट रिटर्न अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 1 साल से कम है, तब आपको अपने म्यूचुअल फंड में एब्सोल्यूट रिटर्न को देखना चाहिए, वो भी स्पेशली अगर आप जब लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मान लो एक एग्जांपल और मैं आपके सामने रखता हूँ। आप जनवरी 2023 में कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख के करीब में, तो आज के डेट में अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखना चाहते हो तो एब्सोल्यूट रिटर्न को देख सकते हो। 1 साल के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है, वहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न को आप देखोगे तो एग्जैक्टली वो एक करेक्ट रिटर्न होगा, वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एक करेक्ट फिगर होगा। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एनुअल रिटर्न और CAGR। आपने नाम सुना हो, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आपका मान लो CAGR 15% का मेंटेन कर रहा है और आपने वहाँ पे 5 साल इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा है, इट मीन्स कि उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न हर साल 15% का देखने को मिल रहा है। CAGR एनुअल रिटर्न ये दर्शाता है कि सालाना आपको म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई FD में पैसा लगाते हो, तो FD में पैसा जब लगाते हो तो 6% का सालाना आपको वहाँ पे ब्याज मिलता है। इट मीन्स कि हर साल आपको 6% का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब हम एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं और CAGR की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका म्यूचुअल फंड ईयरली बेसिस पे कितना पैसा बना के दे रहा है, आपका म्यूचुअल फंड ईयरली बेसिस पे कितना रिटर्न दे रहा है, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। और स्पेशली जब आप लमसम करते हो, जब आप यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और 1 साल से ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हो गया,
तब आपको एनुअल रिटर्न देखना चाहिए, CAGR देखना चाहिए। लमसम इन्वेस्टर के लिए हमेशा एनुअल रिटर्न और CAGR ही एक ऐसा रिटर्न का मेजरमेंट है जो आपको सही निर्णय लेने में काफ़ी हेल्प करे। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशली ये जो मैं आपको रिटर्न बताने वाला हूँ, ये वैसे इन्वेस्टर के लिए है जो SIP करते हैं। लमसम रिटर्न का फॉर्मूला अलग है, SIP रिटर्न का फॉर्मूला अलग है। अगर आप SIP कर रहे हो तो आपको एनुअल रिटर्न और CAGR को यहाँ पे वॉच नहीं करना है। आपको क्या देखना है, एग्जैक्टली XIRR रिटर्न क्या है। XIRR रिटर्न, जी हाँ, वैसे रिटर्न को कैलकुलेट करता है जिसमें आप एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो। जी हाँ, आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि महीने के 1 तारीख को मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा, तो हर महीने एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट आपका जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हम XIR का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, और XIR रिटर्न ही सबसे बेहतर होता है डिसीजन लेने में, जी हाँ, रिसर्च करने में, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड SIP का रिटर्न देख रहे हो। तो जब भी हम SIP करते हैं तो हमें हमेशा XIRR रिटर्न को ही वॉच करना है, क्योंकि देखो हम एक बार में तो पैसा जमा नहीं कर रहे, हर मंथ कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, एक पर्टिकुलर डेट पे चल रहा है। तो इसीलिए SIP के रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हमें XIR के रिटर्न को देखना चाहिए। इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, SIP कर रहे हैं तो वो लमसम रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं, SIP कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न को देख लेते हैं। अब देखो, आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया 5 साल पहले, आज उसका वैल्यू 1,60,000 का वैल्यू है। अब एब्सोल्यूट रिटर्न अगर आप देखोगे तो वहां पे 60% का रिटर्न है। इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं 60% का रिटर्न तो हमें मिल रहा है, जबकि अगर आप एनुलाइज रिटर्न CAGR अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट आपको 12% के करीब में देखने को मिल रहा है। ऑन द एवरेज 12% का रिटर्न है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हमेशा जब भी आप लमसम करो और 1 साल से कम का समय हुआ है अभी तक तो एब्सोल्यूट रिटर्न देखना है, जब 1 साल से ज़्यादा हुआ है तो एनुअल रिटर्न या CAGR को आप देख सकते हो। अगर आप SIP कर रहे हो तो आप XIR रिटर्न को देखो। देखो ये आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको जानते हो, आप ऐसे पॉइंट से वाकिफ हो, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर रिसर्च करना हो या कोई डिसीजन लेना हो, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आया, आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी स्टार्ट करें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।